गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्रियादि शब्दों के साथ जो आवश्यक प्रीपोजिशंस के प्रयोग किए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, कैसे लगाए जाते हैं, इस संबंध में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन आवश्यक रूप से लगाया जाता है, जैसे कि he jumped into the river, किसी चीज में प्रवेश करेंगे, कूदेंगे, into लगेगा। he jumped into the river, he jumped into the well, he went into the room। realize के बाद आना आता है he does not realize आंदेम हुआ, उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता। ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आए। ए लॉट ऑफ पीपुल डाइड ऑफ कॉलरा, ढेर सारे लोग कॉलरा से मर गए, यानी किसी बीमारी भूख प्यास से मरेंगे तो आप आएगा, दे डाइड ऑफ कॉलरा। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये ऐसे कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद निश्चित रूप से वह प्रीपोजिशन लगाया जाता है। अब उसी के कुछ उदाहरण यहां डाले गए थे, इसके पहले तीन वीडियोज हो चुके हैं, फ्रॉम बाय विथ आप इत्यादि इत्यादि। अब उसमें लास्ट वीडियो इस चैप्टर से संबंधित है, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब इसमें एक से अधिक शब्दों का समूह होता है और वो प्रीपोजिशन का काम करता है। फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब एक से अधिक शब्दों का समूह जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं, वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ। By dint of hard work, वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। He succeeded, वह सफल हो गया। By dint of hard work, अगला है by dint of फलस्वरूप, के फलस्वरूप। By dint of का मतलब के फलस्वरूप, हमें अपने देश के लिए अपनी हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने देश के लिए अपनी हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड सैक्रिफाइस या वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लिए। वी शुड सैक्रिफाइस, हमें बलिदान करना चाहिए, या वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस, हमें त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्या, एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लिए, यानी अब देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए, हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। अगला है, हमें जीने के लिए काम करना होगा, हमें जीने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव, हमें जीने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव, अपनी बीमारी के बावजूद मैं कार्यालय में उपस्थित हुआ, अपनी बीमारी के बावजूद मैं कार्यालय में उपस्थित हुआ। आई अटेंडेड द ऑफिस इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद मैं कार्यालय में उपस्थित हुआ।
आई अटेंडेड, मैं उपस्थित हुआ। आई अटेंडेड द ऑफिस, मैं कार्यालय में उपस्थित हुआ। इन स्पाइट ऑफ माई इंग्लिश, के बावजूद की अंग्रेजी, इन स्पाइट ऑफ यानी इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस, आई अटेंडेड द ऑफिस। 53 तेरी पर हम संकट के बीचों बीच घिरे हैं। हम संकट के बीचों बीच हैं या हम संकट के बीचों बीच घिरे हैं। वी आर इन द मिड्स ऑफ, इन द मिड्स्ट ऑफ ट्रबल। हम संकट के बीचों बीच घिरे हैं, अथवा सीधे कहिए हम संकट के बीचों बीच में हैं या बीचों बीच हैं। वी आर इन द मिड्स ऑफ, वी आर इन द मिड्स्ट ऑफ ट्रबल। 54 अफसर के विदाई के अवसर पर उसे विदाई भोज दिया गया। अफसर की विदाई के अवसर पर उसे विदाई भोज दिया गया। The officer was given a farewell party, विदाई भोज, farewell party. On the eve of his departure, के अवसर पर, on the eve of his departure, अब अवसर के विदाई के अवसर पर उसे विदाई भोज दिया गया। The officer was given a farewell party on the eve of his departure. नोट नंबर एक, क्रिया आदि शब्दों के योग में कुछ विशिष्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। करेक्ट, क्रिया आदि शब्दों के योग में यानी अधिकांश तो क्रिया ही आती हैं, कुछ और भी शब्द है जिसके योग में प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। प्राय एस टेन है, बचना, उसी को आप रिफ्रेन भी कहते हैं। एस टेन का मतलब बचना, रिफ्रेन, आर ई एफ आर ए आई एन, रिफ्रेन बचना। प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंट रोकना। रिकवर पुनः स्वस्थ होना, यानी एब्सटेन हुआ, प्रिवेंट हुआ, रिकवर हुआ, रिफ्रेन हुआ, इनके योग में फ्रॉम प्रयोग होता है। एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम। इसी प्रकार एकम्पनी, अकम्पनी, एम्यूज रिप्लेस के योग में बाय का। इसी प्रकार एकम्पनी, एम्यूज और रिप्लेस के योग में बाय का प्रयोग होता है। ठीक, डेल व्यवहार करना, प्लेस खुश करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, तो डेल प्लेस सेटिस्फाई के योग में विद का प्रयोग होता है। डील आया, प्लीज आया, सेटिस्फाई आया, इनके योग में विद का प्रयोग होता है। रिपेयर प्रिपेयर, केयर अपोलोजिस, प्रिपेयर तैयार करना, केयर देखभाल करना, अपोलोजिस के योग में फार का प्रयोग होता है। एडिक्ट प्रेफर, रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है। एडिक्ट आदि होना, प्रेफर आदि पसंद करना, रेफर प्रस्तुत करना के साथ टू का प्रयोग होता है। बेस रियलाइज के साथ, बेस डन या रियलाइज के साथ आन का प्रयोग होता है। अब आइए नंबर दो पर, प्रीपोजिशंस के कुछ प्रयोग बहुत रूढ़ हो गए हैं।
करा प्रीपोजिशंस के कुछ प्रयोग बहुत रूढ़ जटिल हो गए। वे फ्रेज प्रीपोजिशंस ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। करा प्रीपोजिशंस के प्रयोग बहुत रूढ़ कठिन होते चले गए हैं। वे फ्रेज प्रीपोजिशंस ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, जैसे बाय डिंट ऑफ के फलस्वरूप, बाय डिंट ऑफ के फलस्वरूप, फॉर सेक ऑफ के लिए, फॉर सेक ऑफ के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, इन द मिड्स, इन द मिड्स ऑफ, ऑफ छूट गया, इन द मिड्स On the eve of, यहाँ छूट गया है, in the midst of, in the eve of इत्यादि, ये phrase preposition है, जैसे in spite of आदि आदि है, यानी इनके प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं थोड़े से भी इधर उधर करने के बाद चीजें यानी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशंस कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विषय में हमें जानना आवश्यक है और उनके प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कुछ निश्चित प्रीपोजिशन जो निश्चित क्रियाओं के बाद आते हैं, उस संबंध में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करें तो सामना वाला व्यक्ति के सामने हम निडर होकर के, निसंकोच होकर के, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके। और इसके लिए आवश्यक है कि अंग्रेजी की सारे विधाओं के संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए कि जहां जैसे भी कोई बातचीत कर रहा है हम उसी शैली में उससे बातचीत कर सके। थैंक यू।